हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है तुल्यांकी भार ज्ञात करना। ठीक है, तो तुल्यांकी भार हम किस किस का पता लगा सकते हैं, किस किस का तुल्यांकी भार सॉल्व कर सकते हैं, जैसे धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ का तुल्यांकी भार हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये होते क्या है वो हमें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद तुल्यांकी भार की बात करते हैं। सबसे पहले देखो धातु क्या है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं वो धातु होती है, या जिसमें चांदी जैसे चमक होती है, या आघात वर्धनीयता तन्यता वाला गुण होता है, और जो क्या होती है विद्युत की सुचालक होती है, वो क्या होती है मेटल्स होती है, यानी धातु होती है। अब नॉन मेटल्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बना लेते हैं वो अधातु होती है। ये मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं है, यानी क्या है उचालक होती है और आघात वर्धनीयता तन्यता वाला गुण नहीं होता है, और सिल्वर वाली साइनिंग इनमें नहीं होती है। तो अब बात करते हैं अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलने पर क्या है एच पॉजिटिव आयन देते हैं, वो क्या होते हैं अम्ल होते हैं। जितने एच पॉजिटिव आयन उसमें से निकलते हैं वही उसकी क्या कहलाती है क्षारकता कहलाती है। अब क्षार क्या होता है, जो पदार्थ जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं या H पॉजिटिव आयन ग्रहण करते हैं वो होते हैं क्षार। इसमें जितने भी OH आयन्स होते हैं उनको कहते हैं उसकी अम्लता। ठीक है, एसिड और बेस दोनों को मिला दें तो बनेगा सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट ये होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं एसिड्स, अम्ल की बात करते हैं। तो आम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आम्ल क्या है, चलिए लिखते हैं आम्ल को। आम्ल आम्ल को कहते हैं एसिड। ये तो अभी बताए थे इन्हें, ये जल में घुलने पर क्या है एच पॉजिटिव आयन देते हैं, वो पदार्थ क्या होते हैं आम्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। H2SO4, HNO3, H2CO3, H2CO3 और H3PO3, H3PO4, HClO4 और CH3COOH HCOOH फॉर्मिक एसिड एटसेट्रा। तो ये क्या है, इनको जब हम जल में डालते हैं तो जल में घुलने पर ये एच पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, एच पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सभी क्या है अम्ल है। तो कोई एक एच पॉजिटिव आयन निकालेगा, कोई दो एच पॉजिटिव आयन निकालेंगे, तो कोई तीन एच पॉजिटिव आयन निकालते हैं। जो अम्ल जितने एच पॉजिटिव आयन जल में छोड़ेगा उसकी क्षारकता उतनी ही होगी। तो क्षारकता क्या होती है एच पॉजिटिव आयनों की संख्या। तो ध्यान रखना क्षारकता क्या है, क्षारकता इसे कहते हैं हम बेसिसिटी, ये होती है बेसिसिटी। और क्षारकता किसे कहते हैं, भी क्षारकता कहते हैं H पॉजिटिव आयन्स की संख्या, H पॉजिटिव आयनों की संख्या, यानी क्षारकता होती है। जो H पॉजिटिव आयनों की संख्या को क्या कहते हैं हम क्षारकता। अगर मान लीजिए H पॉजिटिव आयन 1 है, एक H पॉजिटिव आयन हुआ, या H पॉजिटिव आयन अगर मान लीजिए 2 आ रहे हैं, H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं 3, ये H पॉजिटिव आ रहे हैं 4। ये तो जिस अम्ल की जितनी क्षारकता होगी वो उतने ही क्षारकीय अम्ल कहलाएंगे। तो देखो जिस अम्ल की क्षारकता एक है, एक क्षारकीय अम्ल क्या होगा मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड हो गए। और जिस अम्ल की क्षारकता दो होगी उसे कहते हैं डाई बेसिक एसिड, और जिसकी क्षारकता 3 है उसे कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड।
ये वाले होते हैं, और जिसकी चार होती है उसे कहते हैं टेट्रा बेसिक एसिड, टेट्रा बेसिक एसिड। तो ध्यान रखना, यानी क्षारकता के आधार पे हम अम्ल को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो H पॉजिटिव आयन बेक्लोज में कितने हैं, उतने उसकी क्षारकता होगी, तो इसलिए वो उतने ही प्रकार के क्या कहलाते हैं, क्षारकीय अम्ल कहलाते हैं। अभी देखा हमने जिसकी क्षारकता एक आ गई, एक क्षारकीय अम्ल या मोनोबेसिक एसिड, जिसकी क्षारकता दो आएगी द्विक्षारकीय अम्ल, जिसकी क्षारकता आएगी तीन त्रिक्षारकीय अम्ल, और जिसकी आएगी फोर उसे कहते हैं टेट्रावेलेंट, ये टेट्रा बेसिक एसिड कहते हैं। तो देखो एसिड्स के ये टाइप्स बन गए अलग अलग एच पॉजिटिव आयनों की संख्या के आधार पर। अब देखो अगर हमें अम्ल का तुल्यांक बाहर निकालना है तो अम्ल का तुल्यांक बाहर कैसे निकालते हैं, अम्ल के अणु बाहर को उसकी क्षारकता से कर देते हैं भाग, तो उसका तुल्यांक बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, तुल्यांक बाहर का फॉर्मूला, तो अम्ल का तुल्यांक बाहर, अम्ल का तुल्यांक बाहर, तुल्यांक बाहर ये होता है देखो बराबर अणु भार बटे में क्या आ जाएगा क्षारकता, बटे में आ जाएगा क्षारकता, ठीक है, क्षारकता या बेसिसिटी आ जाएगा। तो हमें से दो चीजें पता पड़ेगी, एक तो उसको तुल्यांक बाहर क्या है, और दूसरे ये भी पता पड़ जाएगा वो कौन सा क्षारकीय अम्ल है, एक क्षारकीय द्वि क्षारकीय, तो हम दोनों आंसर यहां से निकाल सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं और क्या आता है। तो देखिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो हम सॉल्व करते हैं H3PO4 का तुल्यांक बाहर का पता लगाते हैं, तो देखो H3PO4 की जब भी संरचना बनेगी कैसे बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, देखो ये सारे कैसे ऑक्सीएसिड्स हैं। तो ध्यान रखना ऑक्सीएसिड होते क्या हैं, जिनमें OH समूह सीधे धातु से जुड़ा होगा उन्हें कहते हैं ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना यानी जिनमें OH समूह किससे जुड़ा होगा, डायरेक्ट नॉन मेटल से जुड़ा होगा वो कहलाते हैं ऑक्सीएसिड। तो अभी हम लिख सकते हैं देखो ऑक्सीएसिड क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्सीएसिड्स, ऑक्सीएसिड्स यानी वे अम्ल जिनमें जिनमें OH समूह जिनमें OH समूह सीधे सीधे अधातु से सीधे अधातु से जुड़ा होता है, अधातु से जुड़ा होता है ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं, ऑक्सीएसिड्स कहलाते, ठीक। तो ये सारे क्या है देखो, ये ऑक्सीएसिड्स हैं यहां से लेकर के वहां तक ऑक्सीएसिड्स, ठीक है। लेकिन ये वाले CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और ये है कार्बोनिक एसिड। तो एसिड को यानी एसिड के स्रोत के आधार पे हम ये भी कह सकते हैं, जो एसिड हमें धरातल से प्राप्त होते हैं वो खनिज अम्ल कहलाते हैं, और जो हमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो ये दोनों कार्बोनिक एसिड है और वो सारे कैसे हैं, खनिज अम्ल। तो अब देखो जब ऑक्सी एसिड का तुल्यांक बाहर निकालने के लिए आए तो आप क्या करेंगे, ऑक्सी एसिड्स में क्या करेंगे, उसकी पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें देख लो कितने OH ग्रुप हैं, जितने OH हैं उतने ही उसमें से एच पॉजिटिव आयन बाहर निकलेंगे। यानी ध्यान रखना हमेशा एसिड में एच पॉजिटिव आयन वहीं से निकलेगा जहां वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि हर जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं, एच पॉजिटिव आयन कहां से निकलेगा, जहां वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, और जितने उसमें देख लो OH नेगेटिव हो तो उतने एच पॉजिटिव आयन उसमें से अलग हो जाएंगे और उतनी उसकी क्या होगी, क्षारकता होगी। तो देखो इसकी संरचना कैसे बनाते हैं ऑक्सीएसिड्स की, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। अब जैसे H3PO4 है तो H3PO4 की संरचना कैसे बनेगी, देखो
हम क्या करते हैं, जब किसी भी ऑक्सीएसिड की आपको स्ट्रक्चर बनानी हो तो नॉन मेटल को बीच में रख दीजिए और हर ऑक्सीएसिड में एक ऑक्सीजन उससे डबल बॉन्ड से जरूर जुड़ा होगा नॉन मेटल के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया डबल बॉन्ड से, ये वाला जोड़ दिया और किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, H3PO4 की बना रहे हैं, ठीक है, H3PO4 की बनाई। तो अब देखो एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, बचे कितने ऑक्सीजन, तीन, यानी अब यहाँ पर देखो तीन ऑक्सीजन और तीन हाइड्रोजन बचे। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ करके OH के बना लेते हैं जोड़े। तो अब देखो तीन ऑक्सीजन तीन हाइड्रोजन कितने जोड़े बनेंगे, तीन OH के जोड़ा बन गए। तो तीन OH को डायरेक्ट जोड़ दो, एक एक OH ये जुड़ गए दो और एक OH ये जुड़ गए तीन। अब देखो इसमें जितने OH हैं, जितने OH हैं उतनी ही उसकी क्षारकता है। अब ये वाला जो H पॉजिटिव है ये यहां से बाहर निकलेगा, ये वाला H पॉजिटिव, यानी देखो ये H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव। तो जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये तीन H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, तीन H पॉजिटिव आयन देगा जल के अंदर। अब कैसे बनेंगे देखो इसके H पॉजिटिव आयन, जैसे H3PO4, PO4 को जब हम क्या करते हैं जल में घोलते हैं एक्वस, तो ये तीन H पॉजिटिव आयन निकालेंगे, H पॉजिटिव और फिर प्लस H2PO4 पर 1 नेगेटिव, फिर H2PO4 पर 1 नेगेटिव, फिर ये बनाएगा H पॉजिटिव, फिर प्लस H2PO4 पर 2 नेगेटिव, फिर H2PO4 पर 2 नेगेटिव, फिर अब ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा तो H पॉजिटिव और फिर बनेगा PO4 पर 3। तो देखो भी पहली बार में क्या है, पहली बार में ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, सेकंड बार में ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया और थर्ड बार में ये हाइड्रोजन निकाल दिया, यानी इसमें से तीन H पॉजिटिव आयन निकलने हैं। तो जितने H पॉजिटिव आयनों की संख्या होगी उस अम्ल की क्षारकता उतनी ही होती है। तो क्षारकता कितनी होगी इसकी, अब यहां पर क्षारकता होगी यहां पर इसकी 3, कितनी होगी क्षारकता 3। तो देखो एक दो तीन, यानी 3H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं तो क्षारकता 3। तो ऐसा एसिड जिसकी क्षारकता 3 होती है उसे कहते हैं त्रिक्षारकीय अम्ल, या कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, ट्राई बेसिक एसिड। अब अगर हमें इसको तुल्यांक के बाहर निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो इसको हटाते हैं सबको और देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकले, यानी तुल्यांक की बाहर अम्ल का तुल्यांक की बाहर बराबर है अणु बाहर, अम्ल का अणु बाहर बटे में क्या आ जाएगा क्षारकता, बटे में आ जाएगी क्षारक, ठीक है। अब हमें H3PO4 का निकालना है, इसका इसका तुल्यांक बाहर निकालना है H3PO4 का, H3PO4। तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1, फास्फोरस का परमाणु भार 31, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 60। तो इसका अणु भार निकालेंगे, पहले अणु भार, तो अणुभार कैसे निकालते हैं, अणु में प्रत्येक परमाणु के परमाणु भार का क्या कर देते हैं, योग, सबको जोड़ देते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, हाइड्रोजन 1 × 3, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3 × H, फास्फोरस कितना 1 × P, ऑक्सीजन कितने भी 4 × O, तो यानी हाइड्रोजन के परमाणु 3, फास्फोरस का 1, ऑक्सीजन के परमाणु कितने 4, सबके परमाणु भार रखो और गुणा कर दो। तो 3 × हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 1 × P का कितना 31, 4 × O कितना 16, सबको जोड़ दिए 3 × 1 = 3 प्लस 31 और प्लस क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब 64 आ गया, इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, 4, 5 और 3, 8 और 6 और 3, 9,
यानी H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट अणु भार कितना 98। तो देखो अणु भार हमने निकाल लिया और क्षारकता यहाँ पे 3 आ रही है, रख दीजिए वैल्यू दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा अणु भार 98 और अपॉन में कितना आ गया इसका 3, डिवाइड कर दो 3 3 9, 3 3 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 6 3 3 9 और 3 6 3 6 18। यानी H3PO4 का तुल्यांक भार कितना 32.6। ठीक है, तो हमने ऐसे H3PO4 का हर एसिड का तुल्यांक भार ऐसे निकलेगा, उसके अणु भार में उसकी क्षारकता से भाग करने पर उसका तुल्यांक भार आ जाएगा। तो ये अम्ल का तुल्यांक भार हुआ। और देखते हैं, देखो एक और सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो इसमें और क्या है, तुल्यांकी भार यानी अम्ल के लिए, किसके लिए भी, अम्ल के लिए। तो ये है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे में क्षारकता, अणु भार बटे क्षारकता। ठीक, अब जैसे हमें तुल्यांक भार निकालना है H3PO3 का, तो H3PO3 का तुल्यांक भार निकाल लीजिए, H3PO3 का तुल्यांक भार, H3PO3 का तुल्यांक भार हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यानी H3PO3 को जब हम जल में डालेंगे तो जल में डालने पर जितने H पॉजिटिव आयन निकलेंगे इसमें उतने ही H पॉजिटिव आयन इसको से क्या करेंगे, इसके अणु भार में कर देंगे भाग, तो इसको तुल्यांकी भार आ जाएगी। तो अब हमें पहले ये पता होना चाहिए H3PO3 में कितने H पॉजिटिव आयन हैं। अगर आप यहाँ से H3PO3 पर देख कर बताएं कि 3 H पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन 3 नहीं होते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप एसिड को देख करके वहां पे ये बता दें कि इसमें इतने H पॉजिटिव आयन होते हैं। एक्यूरेटली हम कहां से बता सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। तो ध्यान रखना, हर जगह आप फॉर्मूला देख के H पॉजिटिव आयन उसके सही नहीं बता सकते, तो ध्यान रखना। तो इसलिए देखो H3PO3 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, क्योंकि ऑक्सी एसिड है और ऑक्सी एसिड में क्या होता है, तो नॉन मेटल से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जरूर जुड़ा होगा। ये वाला ऑक्सीजन हम जोड़ेंगे डबल बॉन्ड से, देखो यानी जब भी ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाओगे एक ऑक्सीजन नॉन मेटल से डबल बॉन्ड से जरूर जुड़ा होगा। अब इसके बाद देखो ऑक्सीजन कितने बचे, एक तो मैंने ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, तो एक निकाल लिया, 3 में से एक गैप 2 बचे, तो 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेकर के कितने OH बना लेगा, 2, तो 2 OH बना दिए, ये बन गए 2 OH, ये बन गए। अब बताओ हाइड्रोजन लेकिन एक बचा हुआ, तो बचे हुए हाइड्रोजन जुड़ेंगे सीधे नॉन मेटल के साथ, तो यहाँ पे हमने ये जोड़ दिया हाइड्रोजन। अब देखो ये कितने OH है, 2, तो एक H पॉजिटिव तो यहाँ से निकाल सकता है, एक H पॉजिटिव यहाँ से निकालेगा, कुल कितने H पॉजिटिव निकलेंगे, 2, तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर है इसकी क्षारकता है 2। अब इसको जब आप वाटर में घोलोगे तो देखो कितने हाइड्रोजन आयन निकालेंगे H3PO3, ये कितने हाइड्रोजन आयन निकाल सकता है, एक H पॉजिटिव और फिर प्लस H2PO3 पर 1 नेगेटिव। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, अब के सेकंड बार में ये चला जाएगा, तो H2PO3 पर 1 नेगेटिव, अब के सेकंड बार में चला जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, तो एक H पॉजिटिव ये और एक H पॉजिटिव, तो यहाँ पे बचेगा H पॉजिटिव और प्लस में H3PO3 पर आ जाएगा 2 नेगेटिव। तो यहाँ से देख करके हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें 3 H पॉजिटिव आयन्स हों, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर रियली बता रही है, रियली ये पता पड़ा है केवल उसमें 2 ही H पॉजिटिव आयन्स निकल सकते हैं, 3 कभी भी नहीं निकलेंगे। तो देखो इसलिए इसकी कितने H पॉजिटिव आयन निकलने हैं, 1 2, तो इसलिए क्षारकता भी कितनी है इसकी, 2। तो हम इसका तुल्यांक भार में मान रख दीजिए, तो H3PO4 का तुल्यांक भार बराबर क्या है, अणु भार और बटे में क्या आ जाएगा, क्षारकता, अणु भार बटे क्षारकता। अब देखो भी अणु भार कितना है इसके पास, अणु भार निकालो इससे,
हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा 1 into 3, यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। जब एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तो तीन हाइड्रोजन कितना होगा 1 into 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अणु भार निकाल लीजिए इससे, अणु भार। तो अणु भार बराबर होगा 1 into 3, फिर प्लस फॉस्फोरस का परमाणु भार है 31, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा 48। ठीक है, सीधे सीधे 1 into 3, फॉस्फोरस का 31, एक ही फॉस्फोरस है तो 31 रहेगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो तीन हाइड्रोजन कितना हो गया 16 into 3, 48 आ गए। तो ये बनेगा 3 1 3 31 और प्लस 48। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 8 1 9 और 3 12 2 4 3 7 और 1 आ जाएगा 8। यानी H3PO3 का अणुभार कितना है 82, अणुभार पे रख दीजिए 82, और बटे में कितने आ जाएगी, क्षारकता कितनी है इसकी 2, तो क्षारकता की जगह रख दीजिए 2, तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी S3PO4 का तुल्यांक भार होगा 41। सभी एसिड्स के तुल्यांक भार ध्यान रखना ऐसे ही निकलेंगे, एसिड का फॉर्मूला है, एसिड के तुल्यांक भार का फॉर्मूला है अणुभार बटे क्या है क्षारकता, यानी क्षारकता क्या है H पॉजिटिव आयनों की संख्या। ठीक है, तो यहां से हमें तीन चीज पता पड़ी, एसिड क्या है, जो पदार्थ जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन से देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे, दूसरी बात हमने ये जाने कि जो अम्ल है जितने H पॉजिटिव आयन उसके अंदर है वो उतने ही क्षारकीय अम्ल होगा। मान ले एक H पॉजिटिव आयन निकालना है तो एक क्षारकीय अम्ल है, दो H पॉजिटिव आयन अगर वो निकालना है तो द्विक्षारकीय अम्ल है, तीन H पॉजिटिव आयन अगर वो निकालता है त्रिक्षारकीय अम्ल होगा, चार निकालना तो चतुर्थ क्षारकीय अम्ल होगा। तीसरी बात हमने ये जानी कि तुल्यांक भार निकालने के लिए अणु भार में उसकी क्षारकता से भाग कर देते हैं और हमें तुल्यांक भार मिल जाता है। ठीक है, तो ये तुल्यांक भार की बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्षारकीय तुल्यांक भार। तो देखो भी और ऑक्सीएसिड्स की पता पड़ी हमें, आपको ये बताया मैंने ऑक्सीएसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिनमें OH समूह सीधे अधातु से जुड़ा होगा उन्हें कहते हैं ऑक्सीअम्ल। ठीक है, ऑक्सीअम्ल की संरचना जब भी बनाएंगे आप तो सीधे जो नॉन मेटल उसे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो और फिर उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पेयर बना के OH ग्रुप जोड़ने के बाद जो हाइड्रोजन बचे वो डायरेक्ट जोड़ दो नॉन मेटल से, ऑक्सीएसिड्स की स्ट्रक्चर ऐसे सही बन जाएगी। अब नेक्स्ट